हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं altnews.in। और इस समय हम दो लोग जो बात कर रहे हैं वो लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं अपने घर में और प्रतीक अपने घर में, प्रतीक जो के को-फाउंडर हैं altnews.in के। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। मतलब हम आपस में तो काफ़ी बातचीत करते रहते हैं, मगर ये बातचीत हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड इसका पूरा जो उद्देश्य है, जो इसका एम है, वो ये है कि हम इस बारे में बात करें कि किस तरीके से जब से कोरोना वायरस का पूरा मामला शुरू हुआ है इंडिया में, क्योंकि दुनिया में तो बहुत पहले से चल रहा था, चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है और उसके बाद इधर उधर से होते हुए ये इंडिया तक पहुंचा। और उस इस पूरे पीरियड में जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैली है और फैल रही है लगातार, और जो शुरुआती मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी वो बिल्कुल ही अलग तरीके से थी, और अभी उसने आते 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 कम्युनल एंगल ले लिया है, और जिसकी वजह से सेंस ऑफ कंफ्यूजन है सभी हर तरफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ एक स्टोरीज आई हमारे पास, कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स आए हमारे पास जिनकी फैक्ट चेकिंग करी, जो हमें पता चला कि अच्छा इसकी सच्चाई ये है, और हमने उन्हें वो लोगों को भी बताया। प्रतीक, इसमें सबसे पहला और सबसे जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है कि एक वीडियो हमारे पास आया था जिसमें कुछ लड़के एक ग्रुप में बैठे हुए थे और थाली चम्मच चाट रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि सिंस वो दिखने में वो मुस्लिम्स दिख रहे थे, तो ये बताया गया कि ये मुस्लिम लड़के हैं और थाली चम्मच चाट रहे हैं, इसमें खाना परोसा जाएगा लोगों को और वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होंगे या हो सकते हैं। ये एक इस दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया गया, उसका क्या पता चला उसके बारे में? तो उसमें ये पता चला क्या कि पहले तो ये 2 साल पुराना वीडियो है, ये मच बिफोर कोरोना वायरस इंडिया में वर्ल्ड हुआ उसके उसके पहले का वीडियो है, तो इसका कोई कोरोना वायरस के साथ रिलेशन हो ही नहीं सकता है। और ये पता चला हम लोगों की एक बोरा मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें ये सॉर्ट ऑफ एक एक्सट्रीम कस्टम कह लीजिए कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो लोग यानी कोई भी इवेंट हो उसके बाद में, ये कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा जहाँ उसके बाद में सब थाली चम्मच चाट रहे हो ताकि कोई खाना वेस्ट ना हो। और इस स्टोरी में हम लोगों ने एक बोरा मुस्लिम के कॉलेज कोट किया था जिन्होंने यही कहा था कि ये हम लोग का एक कस्टम है जिसमें बेसिकली माना जाता है कि कुछ खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये जो भी था ये एक रिलीजियस गैदरिंग थी जिसमें ऐसा हुआ था और उसका कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं था। कम से कम 2 साल पुराना है और स्कॉलर से बात करके पता चला कि ये कस्टम है बोरा मुस्लिम्स में कि कोई भी खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो काफी पुराना है क्योंकि 1 साल पहले भी मैंने ये वीडियो देखा है और उस टाइम पर भी ये में से, उस टाइम तो कोरोना वायरस का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, शायद अस्तित्व में नहीं। तो ठीक है, एक 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 ये एग्जांपल है। और एक दूसरा जो बिल्कुल ही मिलता जुलता है वो है एक मध्य प्रदेश का, जिसमें एक बुजुर्ग सा फ्रूट वेंडर है जो कि फल बेचने वाला है, वो अपने ठेले पर अपने फल जो है वो अरेंज कर रहा है, और उस दौरान वो एक एक फल रखते समय वो अपनी उंगली लगाता है अपने जबान में और फिर वो रखता है। तो वो ये बताया गया कि ये इन्फेक्ट कर करके फलों को रख रहा है और उसके बाद ये सभी को बेचेगा और वो जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो इस तरीके से स्प्रेड करे। जी जी, तो हाँ, तो ये वाला रीसेंट वीडियो है, ये एक्चुअली इसके बारे में पुलिस कंप्लेन भी हुई है और FIR में लिखा गया है कि ये वीडियो Feb 16 का है, जिस पर्सन ने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने ही पुलिस कंप्लेन की है अभी हाल ही में जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। इस वीडियो में जाने के पहले एक बार बोलना चाहूँगा कि ये देखना चाहिए कि कैसे ये सब वीडियो से आ रहे अप्रैल में, चाहे वो 2 साल पुराने हो या 2 महीने पुराने हो, और
ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी अप्रैल में आ रहा है? क्योंकि ये जो मार्च 30th मार्च एंड के करीबन जो तबलीग जमात का इशू निकला, और इशू वैसे काफी सीरियस है कि एक एरिया से इतने सब स्टेट्स में एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जो होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, उसमें फॉल्ट किसका है दैट कैन बी डिबेटेबल, क्योंकि एक सिमिलर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन महाराष्ट्र में उसको परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया था जबकि दिल्ली में डिनाई नहीं किया, और इधर जो जो रिलीजियस लीडर्स है इस कॉन्ग्रीगेशन के उनको भी जानना चाहिए था कि इतने बाहर भारत से देशों से लोग आ रहे हैं, और जबकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में पैंडेमिक स्प्रेड हो चुका था, तो आप ये आपने क्यों नहीं सोचा कि दिस विल बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं? बट वी कैन यू नो कीपिंग दैट डिस्कशन असाइड, तभी से ये पूरा पैटर्न शुरू हुआ है, चाहे वो चम्मच चार चम्मच या थाली चाटने वाला वीडियो हो या ये जो वीडियो, तो ये जो हाल का जो वीडियो है उसकी डिटेल्स ये है कि जिस बंदे ने वीडियो शूट किया था उसने ही अभी हाल ही में पुलिस कंप्लेंट की थी, उसने कहा है कि फरवरी 16th को ये शूट हुआ था। वीडियो में देखा जाता है कि एक फल वाला पहले अपना हाथ चाटता है, बाद में ही टचेस अ फ्रूट एंड अरेंजेस अ फ्रूट एज यू डिस्क्राइब, और तब तक अभी सेम एलिगेशन की ये लोग कोरोना वायरस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना वायरस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तो वहीं से ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आया नंबर वन ये कि तब तक अभी तक जब ये वीडियो वायरल हुआ अभी तक एक भी उस टाउन में कोरोना कोविड पॉजिटिव का पेशेंट आया नहीं है, और सेकेंडली फिर 16th में तो मध्य प्रदेश में भी एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ था, तो कोई चांस ही नहीं है कि दिस वाज एन अटेम्प्ट टू दिस वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। सेकेंडली ये कि उनकी डॉटर ने भी शायद स्टेटमेंट दिया कि ही इज नॉट मेंटली वेरी साउंड, उनका अक्सर ऐसे मन करता है कि मैं आज फल बेचूंगा, तो वो अपने एक दोस्त का ठेला ले जाते हैं और फल बेचते हैं। और एक है कि जिस सेक्शंस आईपीसी के जिस सेक्शंस पे हमको बुक किया अभी, क्योंकि वो जो एपिडेमिक वाला एक्ट अभी एप्लीकेबल है, तो एनी डेलिबरेट एक्ट ऑफ trying to spread the infection is a crime itself because that act is applicable, aur unko aise koi relevant sections mein book nahi kiya gaya hai, to wo bhi ek important data point hai. Acha, aur since we're talking about deliberate spreading an attempt to spread this infection, so yahan par ek aur video aaya tha, ek jo ke pictures ke form mein bhi aaya aur video ke form mein bhi aaya, ke Delhi mein कहीं पर सड़क के किनारे ऐसा बताया गया कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों ने नोट फेंकी हैं, करेंसी नोट, 2000 की नोट फेंकी हैं, और ये बताया गया कि ये इन्फेक्टेड हैं और इस तरीके से ये स्प्रेड कर रहे हैं ये सभी कुछ, और बाद में असलियत कुछ और निकली कि भाई एक किसी ने एटीएम से पैसे निकाले थे और उनकी जेब से गिर गए थे। हाँ, तो इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक टिकटॉक एक यूजर था नागपुर का, उसने एक वीडियो डाला था, मुस्लिम यूजर था, और ये थोड़ी नीड टू स्पीक अबाउट इन स्लाइट लेंथ, तो टिकटॉक यूजर ने मुस्लिम उसने बोला था कि ये वीडियो ऐसे वीडियो में लिखा जाता है कि वो करेंसी नोट अपने नाक पे मुंह पे रब कर रहा है और बोल रहा है कि कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है, यानी इट्स अ कर्स बाय अल्लाह। अभी इसका बैकग्राउंड मेरे हिसाब से ये है कि देयर आर सर्टेन मुस्लिम प्रीचर्स, और मैंने खुद ने वीडियोस देखे हैं जैसे यूट्यूब ये सब में, कुछ बंगाली प्रीचर्स के मैंने वीडियो देखे, वो लोग ने क्या किया है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट भी ये सब वीडियोस डिबंक किए हैं अलग अलग, जैसे एक वीडियो डिबंक किया है कि चाइनीज लोग आर मास एक्सेप्टिंग इस्लाम इन चाइना, क्योंकि जो इस्लाम समुदाय में मानते हैं चाइना में उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है बाद में, तो ऐसे अलग अलग चीजें सॉर्ट ऑफ कंबाइन करके देयर आर सम मुस्लिम टीचर्स हु आर ट्राइंग टू फॉलो द कॉज ऑफ द रिलीजन, एंड इन द प्रोसेस दे आर पुटिंग आउट मिस इन्फॉर्मेशन सेइंग कि जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं उन लोगों को कोरोना वायरस नहीं हो सकता। अभी बिल्कुल गलत बात है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देश, चाहे ईरान में सबसे बड़ा यू नो इटली स्पेन वो सब के बाद में ईरान में ही सबसे बड़ा यू नो ब्रेकआउट है कोरोना वायरस के, और बाद में दुबई सब जगह से है, तो ऐसा तो एपिडेमिक इज नॉट स्पेसिफिक टू रिलीजन, नोबडी
is safe from an epidemic. मगर because कुछ चीफ प्रिंसेस ने बोला है ये, इसलिए young minds get influenced. और उसके चलते TikTok पे मैंने देखा है कि काफी ऐसे मुस्लिम यूजर्स है जिन्होंने ऐसे वीडियो डाले है, एक मास्क का भी, कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं because I'm protected by religion. ये सब इस तरीके के, राइट, तो वही मैं इस पे आ रहा था कि जो एक तो ये है कि ये हेट्रेड से भरा हुआ वीडियो था जिसमें उस वो नागपुर के टिकटॉक यूजर ने वो नोट लिया और अपने चेहरे पर, अपनी नाक पर, अपने मुंह पर रगड़ा और ये बताया कि हमारे भगवान का कर्ज है और इस तरीके से. इसके अलावा एक सॉफ्टनेस के साथ भी ऐसे वीडियोज हैं जो कि जिसमें पीछे बैकग्राउंड में अच्छी सी म्यूजिक भी चल रही होती है और दो लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है और वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं नमाज अदा करने, और फिर उन्हें बताया जाता है कि मास्क लगा लो, और फिर वो जिस तरीके से प्रीच करता है कि हमें तो अल्लाह ने बचाया हुआ है और ऐसा. सो ये भी है जो अच्छा खासा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ है ये सेक्टर. और ये जो स्पेसिफिक जो नागपुर का वीडियो है वो इतना वायरल हुआ था कि वहां से ऐसे काफी लोगों के दिमाग में ऐसा हुआ कि करेंसी के थ्रू जान बूझ के ये स्प्रेड किया जा रहा है. बिकॉज हैक वन वीडियो, आई मीन ये समझते नहीं है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है. आपके पास एक टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, मगर आप जो करते हो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल एक वीडियो लाखों लाखों लोग तक पहुंचता है. आपने कोई वीडियो बना दिया आपके टिकटॉक यूजर बेस के लिए, मगर वो पूरी पूरे कंट्री में पहुंच जा रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं समझते लोग. तो यही केस, ये जो मेरे साथ जो नागपुर का वीडियो है उसका बहुत भारी इंपैक्ट हुआ है. तो ये जो आप दिल्ली में ये जो ये किसी हम लोग फाइनली हम लोग की फैक्ट चेक में ये पाया कि कोई एटीएम में गया था और उसके पॉकेट से पैसा गिर गया था, जो भी पैसा विड्रॉ किया था कुछ 20,000 रुपए विड्रॉ किया था, उसमें से जो आप 6 या 8 नोट गिर गए थे. एंड वो देख के लोग डर गए थे कि ये नोट रस्ते पे कैसे है, एंड इज दिस अ डेलिबरेट वे टू स्प्रेड इन्फेक्शन. इधर और एक वीडियो, ये हम लोग फैक्ट चेक नहीं कर पाए हैं, जहाँ एक मदर सन कैमरा में बात कर रहे हैं. वो रात भाई घर के अंदर है और जो मदर है वो काफी सहमी हुई सी आवाज में ऐसा बताती हैं कि अभी दरवाजे पर नॉक हुआ और इस तरीके से. हाँ, वो उसके बारे में. हाँ, तो वो हम लोग फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे, मगर वही है कि वो बोल रहे कि इनकी किसी ने एक नोट रख के चले गए, भी क्या पता नोट गिर गया था, क्या था कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए उस वीडियो को. तो उस वीडियो के बारे में ज्यादा बोलना मुश्किल है, मगर ये भी है कि हम लोगों ने ऑल्टू साइंस पे भी एक स्टोरी की हुई, कौन से सर्फेसेस पे कितनी कितनी देर वायरस एग्जिस्ट कर सकता है. तो इट इज पॉसिबल कि करेंसी नोट के थ्रू आर्टिकल्स में लिखे हैं, बट इट इज हाईली अनलाइकली, और कौन नहीं करेगा नहीं, बट बिकॉज ये एक डर घुस जाता है लोगों में तो ये कुछ भी नहीं करते, तब रैशनैलिटी गोज आउट ऑफ द विंडो एसेंशियली. राइट. और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट जो फैक्ट चेक हुआ है, जो हम लोगों ने ही किया है, जो ऑल्ट न्यूज ने ही किया है, उसमें ये है कि राजस्थान के कोटा शहर में वहां का एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि एक किसी बैग में या कुछ डायरेक्टली ही ऐसा कुछ थूक रही हैं और उसके बाद उसे घरों में फेंक रही हैं, और उसे भी पूरी तरीके से बता दिया गया है कि एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी ये औरतें पार्ट हैं और वो लोग जाकर ऐसा इंफेक्शन फैलाने की कोशिश कर रही हैं. हाँ, तो पहले तो इसमें पॉइंट करना चाहिए कि कैसे मीडिया ने इस वीडियो को चलाया विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग कि कौन है. पहले इसको बोल दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी है, जबकि अगेन इस टाउन में जो भी टाउन था, मुझे टाउन का नाम याद नहीं आ रहा अभी, मगर कोटा, हाँ कोटा में, कोटा में अभी तक शायद कोई पॉजिटिव केस नहीं, कोटा नहीं हुआ है, कोटा के पास कहीं हुआ था ये. ये मैं अभी देखकर बताता हूँ कि कहाँ हुआ है. हाँ, तो बेसिकली वहाँ हम लोग की स्टोरी में हमने लिखा है कि वहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं हुआ है अभी तक, और इवेंचुअली ये पाया गया कि ये लोग घर घर जाके जो भी खाना पैसा जो भी मांगते हैं. और ये वल्लभ वाड़ी का है, कोटा में वल्लभ वाड़ी है. हाँ. पुलिस कौन सी कास्ट की लेडीज थी, ये जो पावड़ी की, पावड़ी का, पावड़ी जाति के,
हाँ, तो पहले तो ये हुआ कि इसको एक, जबकि ये ऑलरेडी एक माहौल बन चुका था कि 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 थूक के द्वारा कि मुस्लिम समुदाय जानबूझ के फैला रहा है, जो गलत वीडियो से एक माहौल बना दिया गया था, और उसमें आप ये वीडियो चलाते हो कि दिस इज ऑल्सो कॉन्स्पिरसी, जो मीडिया ने जिस तरह से चलाया, और इवेंचुअली पाया गया कि ये बावड़ी कास्ट के है और बेसिकली घर घर जाते हैं खाना या पैसा मांगने के लिए, और ये कुछ घर में नहीं दिया था तो इसलिए उन्होंने ये किया था, वही उन्होंने खुद ने कबूला है, और जो पांचों नाम, पांचों औरतों के नाम आए हैं बाहर, तो अभी इनको अनरिलेटेड इशू को, ये एक दिखता ही कैसे सोसाइटी में फियर है और उसको मीडिया भी यूज करता है टीआरपी के लिए, जिससे ये फियर और बढ़ते रहता है और एक विश्व साइकिल हो जाता है ये, कोई इसका अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई कोई भी एक भी पार्टी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने को तैयार नहीं है। राइट सो जो जो ये मीडिया वाला है वो हम कभी अलग से इस पर बात करेंगे, बट अभी मैं ये जो ये जो हमारी पूरी बातचीत है इसको तीन पार्ट में रखना चाहता हूँ। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कुछ एक एग्जांपल्स के जरिए हम ये बताएं कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैली है, मगर जो दूसरा पार्ट है इसका वो ये है कि ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन का साइकिल है अराउंड कोरोना वायरस, ये इस कम्युनल एंगल से शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ था तब से जब इंडिया में कोरोना वायरस आया भी नहीं था, तब से ये शुरू हुआ था, मगर आते 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 जब यहाँ पर आया और उसके बाद जिस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हुआ, ये बिल्कुल ही अलग रंग में आ गया है। तो इसके पैटर्न में आपने कुछ नोटिस किया है कि समथिंग कुछ कुछ एक एक, एक जर्नी हो इस मिस इन्फॉर्मेशन की? तो हाँ, तो पैटर्न चेंज होता रहा है, तो शुरुआत फॉर ऑन अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ प्लान, दिसंबर एंड में शायद चाइना ने WHO को रिपोर्ट किया, जैन 6 के अराउंड, जैन 6 या जैन 8 को WHO ने एक सर्कुलर बाहर निकाला, और तभी भी लोगों को तब तक पता नहीं चला था कि कितना बड़ा इशू हो रहा है। जैन एंड या फिर स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था, तो तब देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसइंफॉर्मेशन अराउंड द चाइनीज स्टेट, क्योंकि ये वायरस जिसको काफी डेरोगेटरी टर्म में चाइनीज वायरस कहा गया है बार बार, डोनाल्ड ट्रंप यूजिंग इट, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के यूजिंग चाइनीज वायरस, इधर सोशल मीडिया में जो इंडियन राइट विंग है उन्होंने भी चाइनीज वायरस टर्म यूज किया, ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे हैशटैग चाइनीज वायरस। हाँ, तो बट उसके पहले बिकॉज आई नो ऑब्वियसली अगेन ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि चाइना एज अ स्टेट डिड इट फेल, कि टाइमली उन्होंने वर्ल्ड को बताया या नहीं, क्योंकि सॉर्ट ऑफ ग्लोबल इशू दैट वी आर फेसिंग टुडे इट इज अनप्रेसिडेंटेड, तो चाइना एज अ स्टेट का भी लगता था कि वो रायता समेट लेंगे। हाँ, मगर वो हुआ नहीं, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होना चाहिए, बट जो पहले चाइना का जब इट वॉज लार्जली लिमिटेड टू चाइना और बाकी सब कंट्रीज में स्प्रेडिंग हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स चाइना एज अ नेशन, तो जैसे कि चाइना कैसे हैंडल कर रहा है इस एपिडेमिक को, तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें यू कैन सी लंबा सा वीडियो है, पहले यू कैन सी कि पुलिसमैन गन्स लोड कर रही है, तीन पुलिसमैन अपनी गन्स लोड कर रही है, बाद में देखोगे कि वही तीन पुलिसमैन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, और नेक्स्ट सीन में देखोगे कि देयर इज अ वुमन सिटिंग ऑन द ग्राउंड और रो रही है, और आजू बाजू लग रहा है कि कुछ लोग मर गए ऐसा दिख रहा है, और फोर्थ क्लिप में आपने देखोगे कि दो डेड बॉडीज एक साइड में, रोड के साइड में पड़ी हुई है, बाइक पास में है, तो ये चारों वीडियो कंबाइन करके ऐसा बोला गया है कि चाइनीज पुलिस जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है चाइना में उनको इंडिस्क्रिमिनेटली शूट कर रही है, तो हम लोगों ने इस, और ये बहुत वायरल हुआ था, हम लोगों ने इस वीडियो की आई थिंक कोरोना वायरस से जुड़ी ये सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिबंक करी थी, जिस पे हमने काम करना शुरू किया था, राइट? वो तो याद नहीं है, मगर मैं अभी देख रहा था ये Feb 14 को हम लोगों ने किया था, उसके पहले था एक दो कुछ किया हुआ हमने, ये शायद फर्स्ट नहीं था, बट वन ऑफ द अर्लीस्ट था एंड वन ऑफ द मोस्ट, मगर ये सबसे ज्यादा वायरल हुआ था और ये हर जगह था, और सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था ये वीडियो।
था, ये सब लोगों ने शेयर किया था इस वीडियो को। तो हम लोगों ने जो पाया कि एक तो जो पुलिसमैन थे सब बिल्कुल अनरिलेटेड वीडियोस थे। एक जो बीच वाला जो वीडियो था जहां वुमेन आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो अगेन कुछ डेढ़ साल पुराना वीडियो था, एक साल पुराना हुआ, तो कोई रिलेशन ही नहीं था। मगर अलग अलग एप्स को ज्वाइन करके बोल दिया गया था कि ये, और जो लास्ट वाला वीडियो था एक एक्सीडेंट का था, बाइक एक्सीडेंट का था, और सब वीडियो को ज्वाइन करके बोल दिया गया था कि इसमें पुलिस इज शूटिंग डाउन पीपल। और लास्ट वीडियो में आप ये भी देख सकते हो किसी ने मास्क नहीं पहना, तो चाइना में चाइना ऑलरेडी ये रूल आ गया था कि सबको मास्क पहनना है। तो लास्ट वीडियो था जिसमें सड़क के किनारे डेड बॉडी रखी हुई दिखाई दे रही थी, वो एक रोड एक्सीडेंट का वीडियो था, तो और ये जो एक फिनोमिनन है कि अलग अलग चीजों को जोड़ के मिस इन्फॉर्मेशन बनाना, ये भी एक नया नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जब बालाकोट पुलवामा स्ट्राइक्स हुआ था जब पुलवामा में अबाउट 49 सीआरपीएफ और 50 सीआरपीएफ जवान डाई, तब एक फेसबुक यूजर ने, उसका नाम नहीं भूल जा रहा हूँ बट काफी फॉलोइंग उनकी, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप डाला था बाहर बोल के कि ये दिस इज एन एक्सपोजे, और ये बोल के डाला था कि दिस इज अमित शाह, राजनाथ सिंह और एक अनआइडेंटिफाइड वुमन, तीन बोल के ये तीन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है और ये लोग पुलवामा प्लान कर रहे हैं, और लंबा सा फोन कॉन्वर्सेशन, जैसे आप फोन में अगर रिकॉर्ड कर लो अपने फोन से तो जैसा सुनाई देगा वैसा ही सुनाई देगा फोन कॉन्वर्सेशन। और एक्चुअली हुआ ये था कि उस बंदे ने अलग अलग स्पीचेस, अमित शाह के स्पीचेस, राजनाथ सिंह के स्पीचेस के अलग अलग भाग काट के, और ये जो अनआइडेंटिफाइड वुमन हम लोग कभी नहीं पता कर पाए कि ये कौन कौन थी, बट सब लोग को ज्वाइन करके एक ऐसा ऑडियो क्लिपिंग बनाया था जिसमें ऐसा लगे कि वो लोग पुलवामा प्लान कर रहे हैं। तो ये एंड इट वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस, इतना डेंजरस था कि पाकिस्तान के हर चैनल ने ये चलाया था कि देखो इंडिया में ऑडियो क्लिप निकला है कि कैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पुलवामा प्लान किया है। तो दिस वाज अभी अभी डांडिया, अभी डांडिया, अभी डांडिया। तो हाँ, तो ये जो अलग अलग, कभी कभी लगता है कि देखिए लंबा है कितना सब कुछ दिख रहा है, एंड यू देयर इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कन्विंस यू एज अ कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, लोग इतने हद तक भी जाते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि देखो ये सच है। तो कभी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि देखो इतना इलाबरेट है तो सच ही होगा, वैसे ही लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि ये सच है, जबकि काफी बार सच बिल्कुल और कुछ ही होता है। राइट, सो कमिंग बैक टू द पैटर्न, जो चाइना के वीडियोस से शुरू हुआ तब जब यहाँ पर कोरोना वायरस का एग्जिस्टेंस नहीं था इंडिया में। हाँ, तो पहले तो ये चाइनीज, चाइना अगेंस्ट, उसके नेशन के अगेंस्ट हुआ। बाद में एज द एपिडेमिक रीच्ड द इंडियन शोर्स और इंडिया में केसेस बढ़ने लगे, तब इंडिया में एक डर बैठ गया इन पॉपुलेशन जनरल की, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका क्योर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने 4 महीने हो गए, अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि यू नो वेयर वी आर गोइंग, नोबडी इज इवन राइटिंग एन ओपिनियन आर्टिकल कि ये अब खत्म होने वाला है, ऐसी हालत है। तो उसमें एक डर बैठ गया और लोग अलग अलग टाइप के मेडिकल, यानी घर पे दवाइयों से जुड़ा मिस इन्फॉर्मेशन तो कमाल का था। हाँ, तो कि जिंजर गार्लिक खा लीजिए या हॉट वाटर विद लेमन खा लीजिए। आयुष मिनिस्टर ने कहा था कि एक होम्योपैथिक ड्रग है, उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30, वो खा लीजिए, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस। और ऑर्गन साइंस ने, डॉक्टर सुमेश शेख जो है उनकी फाउंडिंग एडिटर ऑर्गन साइंस की, उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बाद में काफ़ी लोगों ने लिखा था। हाल बगल फिर भी अभी भी जैसे लेटेस्ट जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर में, वहाँ भी वो अभी भी आयुष की बात कर रहे थे, जबकि बिना ये नकारे कि आयुष ने मिस इन्फॉर्मेशन भी डाली है। तो पहले हेल्थ मिशन कुछ डिबंक किया है आयुष का? नहीं, पीआईबी ने कुछ डिबंक नहीं किया। इनफैक्ट ये भी हुआ था कि जो थाली बजाने वाला हुआ था, तो किसी एक डॉक्टर ने बोला था कि यू नो दिस इज द रिलेशन,
और माई गॉव ने वो वीडियो डाल दिया था, बाद में डिलीट करना पड़ा था माई गॉव को। था उस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी वो ट्वीट रीट्वीट किया था अमिताभ बच्चन का वीडियो, जो बाद में अमिताभ बच्चन ने खुद डिलीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो यस उससे उससे भी वायरस स्प्रेड मोदी ने ट्वीट किया था लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक कोई क्योर नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो आपको कभी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप WHO की वेबसाइट जाओगे, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी खैर भी आप आयुष की वेबसाइट में ना जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, मगर इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट तो लुकआउट फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको अपनी लैंग्वेज में भी शायद डिटेल्स मिल जाए, हिंदी जो भी आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हो उसमें भी आपको शायद डिटेल्स मिल जाए जो WHO की वेबसाइट पर शायद ना मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई दवा यूज करने को कहते हैं वो कतई ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने भी कई बार बोला है कि यू शुड यूज इट इन आई माइट यूज इट, इस तरीके से बोला है उन्होंने। या एंड आई मीन लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट हिम बिकॉज़ घर पे क्यों रहना चाहिए, तो उसमें अलग अलग टाइप के वीडियोस की लोगों की डेड बॉडीज देखो, ये हाल हो रहा है, ये हाल हो रहा है, कुछ कुछ सही भी वीडियोस है, कुछ कुछ गलत भी वीडियोस है कि देखो इतना बुरा हाल है, इसलिए आप लोग को घर में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी चली थी। And then finally, 31st मार्च को जब ये जमात का इशू बढ़ा, तब से पूरा एक कम्युनल टर्न ले लिया है, हेल्थ मिसइंफॉर्मेशन अभी भी चल रही है। जैसे कल ही या परसों शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ ट्वीट किया, उन्होंने इस ट्वीट ऐसा भी लास्ट में पूछा है कि मिनिस्ट्री शुड से कि क्लैरिफाई व्हेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट आप जब एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो आप क्यों डालोगे, यू हैव सो मेनी अदर वेज ऑफ फाइंडिंग दिस इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन ट्विटर। आप डॉक्टर्स को जानते होंगे, आप कितने लोगों को जानते होंगे, आप क्यों ट्विटर पे डालोगे, आप उन्हें खुद जानते होंगे, उन्हें मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को उन्हें व्हाट्सएप कर देना चाहिए कि भाई बताओ उसके बाद में ट्वीट करो। तो जी तो यस सो 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 ये यहाँ पर ये दवाइयों के इर्द गिर्द आने लगा, और फिर जो सबसे बड़ा एक पॉइंट आया जहां पर ये न्यूज आई कि निजामुद्दीन में जो धार्मिक आयोजन हुआ था, जो रिलीजियस गैदरिंग हुई थी, उसके बाद से बहुत ही डिवेस्टेटिंग टर्न हुआ है जो मिस इन्फॉर्मेशन के आसपास है जो करते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल से ऑलरेडी वी स्पोक अबाउट, वो जो चम्मच चाटने वाला और ये जो कोटा का भी चला था, कोटा वाला तो अभी का हाल का है, वाला अभी लेटेस्ट है, वो बिल्कुल कल का है, का हिस्सा है जब, और वो जो फ्रूट वेंडर जो वाला वो फैक्ट 16 का है इसमें, और एक भी हम लोग काफी बार बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, एक चीज जानना जरूरी है कि जब हम लोग, और ये बार बार हम लोग ऑडियंस में, हम लोग ने शायद ऐसे 500 ऐसे आर्टिकल किए होंगे कि पुराना वीडियो अभी चलाया जा रहा है, कम से कम 500 ऐसे आर्टिकल किए होंगे, शायद ज्यादा ही किए होंगे। तो कैसे होता है कि आप पुराना एक वीडियो सडनली आप देखते हो आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस का है, ऐसा तो नहीं चलता ना। तो एक ये एक यानी एक स्ट्रैटेजी के अनुसार किया जाता है कि आप दो साल एक साल कोई भी वीडियो ढूंढ लो और उसको बोलो कि ये कोरोना वायरस का है। जैसे बालाकोट में अभी मैं बालाकोट में बार बार जाते रहता हूँ क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एज ऑल्टीज हम लोग ने जो फर्स्ट इन्फ्लेक्शन देखा था, ह्यूज इन्फ्लेक्शन, क्योंकि वो अगेन बहुत एक इमोशनल इशू होता है, अभी जो एक फियर का माहौल है और जब से तबलीग जमात हो गया एक थोड़ा हेट्रेड का माहौल हो गया है, मगर ये जो एक इमोशनल स्टेट होता है तब लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बिलीव करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। तो बालाकोट वाज वन सच इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और तो तब जब स्ट्राइक्स होते तो एज एविडेंस मटेरियल एविडेंस कुछ नहीं था कि डेड बॉडीज कुछ नहीं, तो तब व्हाट्सएप पे ऐसी करीबन 10 इमेजेस सर्कुलेट हुई थी जहां बोला गया था कि दीज आर द पीपल जो बालाकोट में उनकी डेथ हुई, यानी वाइट बेडशीट से कवर्ड बॉडीज, और बाद में जब ऑल्टर से स्टोरी की तो पाया गया था कि ये अर्थक्वेक और हीट वेव के 3-4 साल पुरानी इमेजेस है। तो किसको
अभी कैसे होता है कि आप 3-4 साल पुराने वीडियो या 2 साल पुराना वीडियो सोच के देखिए, ये सोचोगे कि ये बालाकोट का है और ये कोरोना वायरस का है। तो जो लोग भी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो लोग एक्सीडेंटली नहीं डालते, वो लोग दे लुक आउट फॉर सच थिंग्स कि क्या डाला जाए ताकि एक नरेटिव सेट किया जाए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये सच है कि हम लोग सोर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि व्हाट्सएप पे चलता है, व्हाट्सएप एंड टू एनक्रिप्टेड है, तो कौन किसने इनिशियली डाला वो जानना बहुत मुश्किल है। मगर ये जानना बहुत जरूरी कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, जानबूझ के ये डाला जाता है, नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। अच्छा, जो जो ये लोग स्प्रेड जो लोग करते हैं उसमें दो सेक्शन, मेरे हिसाब से उसमें दो सेक्शन होते हैं। एक वो जो इनिशिएट करते हैं, जो जिन्हें ऐसा होता है कि हाँ वो जो वीडियो था ना उसको हम इससे लिंक कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो लिंक करते हैं। एंड देन दे डिपेंड ऑन द सेकेंड सेक्शन, जो कि अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, अपने डर की वजह से और अपने इग्नोरेंस की वजह से, उससे अपने पड़ोसियों को, अपने फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल वाले कॉलेज वाले उसमें स्प्रेड करता है बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस। सो लाइक ये इनिशिएट करते हैं और ये ट्रिगर करते हैं, ये उसको उसमें कैटलिस्ट का कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। और ये जो फर्स्ट सेक्शन की बात करें, जो इनिशिएट करते हैं, तो बहुत छोटा सेक्शन होता है। यू जस्ट मानो हम लोगों ने करीबन 12 स्टोरीज डीबन की है ये वीडियो वाली, वैसे तो बहुत सही स्टोरी। जो फॉल्स वीडियोस अबाउट कोरोना वायरस की मुस्लिम्स आर नोइंगली स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन, वैसे अगर हमने 12 या 13 स्टोरीज डीबन की है अप्रैल बिगनिंग से, तो ऐसा नहीं कि क्वान्टिटी ह्यूज है मगर उसका रीच इतना ज्यादा है। वो लोग जानते हैं कि एक बार ये वीडियो आपके व्हाट्सएप दुनिया में पहुंच गया तो वो सब जगह पहुंचेगा। तो यू डोंट नीड every day to create something, you just need something which is very well thought of, aur wo baad mein sab jagah pahunch jata hai. Okay, so aur is dauran koi ek aur major ko dhyan mein aa raha hai koi abhi jiske bare mein baat karni chahiye, aur we should aur to abhi kuch dhyan mein nahi aa raha, such as if you can think of something we can talk about. Okay, then We'll go to the impact part of it, the third part, के इन सारी चीजों की वजह से हमारे आसपास इस misinformation का impact क्या पड़ रहा है? Like, क्या आपको सुनने को मिला है, क्या देखने को मिला है, क्या कहीं से कुछ पता चला हो, किसी ने कुछ बताया हो, या फिर in general what's your thinking about it? तो इम्पैक्ट में तो हम लोगों ने एक तो देख ही लिया है, जो करेंसी वाला, जो कि करेंसी किसी के पॉकेट से गिर गई थी और सब लोगों को डर लगा कि ये कोरोना वायरस स्प्रेड करने का है। दूसरा वो था वो जो नागपुर वाला वीडियो का इम्पैक्ट, वो जो राइजन मध्य प्रदेश में जो फूड वेंडर का वीडियो था, उससे ये हो गया है कि हर फूड वेंडर को अभी जाके यू नो हर फूड वेंडर को नहीं तो काफी देखने को मिली है जिसमें जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, उनके ठेलों पर झंडे लगाए जा रहे हैं टू आइडेंटिफाई देम कि हाँ ये मुस्लिम्स नहीं हैं और इनके इनसे वो सब्जी या फल खरीदना सेफ है। हम लोग ने शायद वेरीफाई किया नहीं है अभी, वो पिक्चर्स कब की है, रिसेंट है या नहीं है, वो हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं। इसके बारे में ट्विटर पे काफी सारी तस्वीरें वायरल हुई हैं, इसको हमने वेरीफाई किया अभी तक, तो शायद यू नो द बेस्ट आईडिया टॉकिंग अबाउट। ये इंफॉर्मेशन भी, ये मैसेज भी काफी शेयर किया जा रहा है कि अपने आसपास जहां पर भी आप झंडे वाले ठेले देखें वहां से सब्जी खरीदें, वो सेफ रहेंगे। हाँ, वो वैसे मैसेज शेयर किया जा रहा है। बट इसका ये भी हो रहा है कि जैसे हमने एक वीडियो भी डीबन किया था जहाँ एक मोहम्मद सलीम नाम के एक लड़के को शायद दिल्ली में बदरपुर बोल के एरिया है, वहाँ वहाँ किसी ने जाके असॉल्ट किया था और बाद में उसी वीडियो को बाद में फैला दिया गया एक गलत सिर्फ मैसेज के साथ। असॉल्ट इसलिए किया गया तो उस स्थिति में देखा जा रहा वीडियो में कि नाम पूछा जा रहा है, बोला कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, बाद में आईडी मांगी गई और उसने बताया कि आईडी नहीं है मेरे पास, तो उससे नाम पूछा गया, उसने बोला कि मोहम्मद सलीम है और बाद में उसको मारा गया। तो उसका ये इम्पैक्ट हो रहा है कि जो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन का ये बेसिकली इम्पैक्ट हो रहा है और ये मेरे हिसाब से काफी जगह हो रहा है। ये डर बैठ गया है और आप भी बता रहे थे कि आपके जानने पहचानने वालों में भी किसी के साथ एक बदसलूकी की गई थी। लखनऊ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कल शाम को। हाँ तो मतलब ये जो
मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो फॉल्स प्रोपोगेंडा इस तरीके से फैलाया जा रहा है, इसका सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे ऐसे भी चीज़ें पता चल रही हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सेग्रीगेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पेशेंट्स का। वो स्टोरी भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। हाँ, कंफर्म नहीं हुई है। मगर ये मैसेज भी काफी ज्यादा। हाँ, तो अच्छा, तो एक चीज और है कि कई सारे वीडियोस के बारे में ऐसा बोला जा सकता है कि ठीक है, मतलब अगर वो वीडियो एक गलत मैसेज के साथ फैलाया जा रहा है तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आपको क्यों बोलते हो कि मतलब इसका इतना बड़ा इशू क्यों बनाना, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोग तो हैं जो ऐसा सच में कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल दिया जाएगा उस नागपुर वाले वीडियो का जिसमें उसने वाकई में ऐसा किया था। हाँ, मगर नंबर वन, वॉज ही इन्फेक्टेड, कि वो इन्फेक्टेड था क्या? वैसा कुछ, उसको अरेस्ट किया गया है ऐसा कुछ निकला नहीं कि वो इन्फेक्टेड था। वो एक दैट वॉज अ हेटफुल वीडियो, कि जो है एक तरह से बंदा रेडिकलाइज हो गया है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि ही इज ट्राइंग टू स्प्रेड। वो एक जो यू नो कर रहा था, बट ऐसा तो आया नहीं कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो देयर इज नो एविडेंस कि उसने एक्चुअली इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड किया है। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज की गई है। तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है जहाँ सोशल मीडिया पर ऐसा कोई वीडियो कोई ऐसा आया नहीं है जहाँ लोग जानबूझ के यू नो स्प्रेड करें। कुछ हॉस्पिटल के विजुअल्स आए हैं, अगेन एक हॉस्पिटल का विजुअल अभी चल रहा है, दो चल रहे हैं, एक फेक है और एक अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। एक है को पाकिस्तान का एक मॉस्क में एक के दौरान वो सब कांच वाँच तो है, अगेन बोला जा रहा है कि वो जमात तबलीगी जमात का है। बट और एक भी वीडियो चल रहा है जहाँ एक लेडी इज गोइंग अराउंड हॉस्पिटल एंड ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ स्केयर पीपल, ट्राइंग टू टच पीपल, वो भी बोला गया तबलीगी जमात का है। वो दैट लुक्स मोर रियल, बट वी हैवंट इन्वेस्टिगेटेड इट येट। ठीक है, सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? No, the only thing I would like to add is that, you know, at this point in time, what considering the effect of misinformation, itna widespread effect hai ki koi, magar koi isko samajh nahi pa raha aur koi isko seriously le nahi raha. Yani, you know, they might speak about it here and there ki dekho kya hua, but there is no work being done. And I think Prime Minister jab 25 minute baat kar sakte hai alag alag cheezon ki, to unko kam se kam 2 minute next speech mein ye baat karni chahiye ki misinformation na spread kiya jaye, kisi ek community ko attack na kiya jaye, kyunki that would be the most detrimental for us as a country when we are facing a pandemic. And I think उन्हें असल में हर कम्युनिटी को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर भी एक तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जेनरेट हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जा रही है। वो लोग जो एक कम्युनिटी पर अटैक करना चाहते हैं और वो लोग जो डिफेंस के नाम पर लोगों पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें भी ये जरूरी है कि उनके अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई है उसे भी स्प्रेड किया जाए। चाहे वो इंदौर में जो हेल्थ वर्कर्स पर अटैक हुआ या कल मुरादाबाद में जो हेल्थ वर्कर्स पर अटैक हुआ, सब लोगों को एक वी नीड पीपल टू काम डाउन, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू पॉलिटिकल मैसेजिंग। एक ऊपर से पॉलिटिकल मैसेजिंग आए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली एक्ट करे और पीपल जस्ट जनरली काम डाउन। एंड इस टाइम में वी हैव नो ऑप्शन बट टू पुट सम ट्रस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो राइट, सो लास्ट में अगर लोगों के पास, किसी के पास एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, एक मैसेज आता है, तो हाउ शुड दे गो अबाउट इट, उन्हें उसके बारे में किस तरीके से उसे लेना चाहिए और किस तरीके से, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट थिंग टू डू विद दैट मैसेज, उसे कैसे वेरीफाई किया जाए, उसके बारे में किस तरीके का परसेप्शन बनाए, इसके बारे में अगर कुछ बता। देखिए, हेल्थ मिशन, हेल्थ के रिलेटेड कोई फॉरवर्ड आए कि ये दवाई ले लो वो दवाई ले लो, हाँ, तो ऑलवेज
टेक मेडिकल एडवाइस, कोई सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए अभी, अभी तक कोई क्योर नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। ये भ्रम में मत रहिए कि आप किसी तरह से इम्यून हो, क्योंकि आप इंडिया में रहे हो तो किसी तरह से इम्यून हो, उस भ्रम में मत रहिए। हम लोग देख रहे हैं कैसे पूरे इंडिया में भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो और अगर कोई एक ऐसा वीडियो आता है, देखो सबसे मैं जो लोग डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों का उद्देश्य यह है कि आपको इमोशनली ट्रिगर करे आपको, तो सब समय वो ध्यान में रखिए। और जब भी वीडियो देखिए, जब भी आपको लगता है कि एक आपने एक एक्सट्रीम इमोशन आप फील कर रहे हो, चाहे वो एंगर, हेट्रेड, फियर, जो भी हो, तब टेक अ स्टेप बैक एंड देन थिंक अबाउट इट अगेन। समटाइम्स इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये नहीं हो सकता, आप यू नो इफ यू सॉर्ट ऑफ काम योरसेल्फ डाउन एंड इफ यू थिंक अबाउट एन इशू रैशनली, तब आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो अगर वो तो भी पता नहीं कर पा रहे हो तो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पे देखिए, हम लोग का ऑल्टन्यूज़ का ऐप है, ऑल्टन्यूज़ के ऐप पे आप वीडियो इमेज भेज सकते हैं, हम लोग को ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 7600111160, उस पर आप भेज सकते हैं। और अलग अलग फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी है, बूम लाइव है, फैक्ट प्रसेंडो है, सेमहोक्सलर है, देखिए और कौन क्या बोल रहा है। और बेटर होगा कि आप क्रॉस चेक करके ही भेजिए, कुछ आगे फॉरवर्ड करिए सब कुछ, राइट? ठीक है, सो इसके बाद हम जो आगे बातचीत करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें हम मीडिया के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हम टीवी पर देखते हैं और जिनकी अच्छी खासी रेटिंग है टीआरपीज है, वो उन्होंने किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर किया है या फिर उसे जाने अनजाने में उसे बढ़ाया है, इन सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम डॉक्टर सुमैया से भी बात करेंगे, जिसमें हम एक साइंटिस्ट का क्या कहना होता है, जो पूरा दिन रात साइंस में ही डूबा हुआ है इंसान, वो किस तरीके से वो क्या बताना चाहता है और किस तरीके से क्या भी जो भी मेजर्स हैं वो सारी चीज़ें बताना चाहता है। सो हम रेगुलरली बात करेंगे इस पर आपसे, एंड वील ट्राई टू ब्रिंग आउट एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी कैन, राइट? ऑल न्यूज़ देखते रहिए, हम जो भी फर्जी खबरें हैं और जिस तरह के भी ऐसे जो फर्जी क्लेम्स हैं उनकी सच्चाई आप तक बताते रहेंगे। ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू, एंड घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, हीरो मत बनिए, बाय।